नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यहां पर जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, भारी संख्या में जो लोग जुटे हैं, उसी के चलते अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्यों यहां पर और आना पड़ा आप लोगों को इतनी संख्या में, क्या मुद्दे हैं आपके वो बताइए। मैं अपेक्षा प्रियदर्शनी हूँ और मैं JNU की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ दिल्ली से ही हूँ और ये सारे साथी जो आज यहाँ पे आए हैं, ये असम से आए हैं और बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे लेकर आए हैं। जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ उनको हैरेस किया जा रहा है, जिस तरीके से उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, उन्हें इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर किया जा रहा है, उन्हें डी वोटर का ठप्पा लगाया जा रहा है उनके ऊपर, जहाँ पे उनके वोटर राइट्स भी उनके पास नहीं है। इन सारे मुद्दों को उठाकर और इनके जो एक बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं लफीकुल इस्लाम, उनके लिए जस्टिस मांगने के लिए आज यहाँ पे आए। तो मगर मैम, यहाँ पे सारे मुस्लिम्स ही हैं या नॉन मुस्लिम्स भी हैं? देखिए, यहाँ पे ये सारी जो कम्युनिटी है वो ABMSU से आई है, जो बॉर्डरलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से वो लोग आए हैं। बिल्कुल ओवरवेलमिंगली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स आए, क्योंकि ये मुस्लिम्स का मुद्दा है और जिस तरीके का परसिक्यूशन हो रहा है वो ओवरवेलमिंगली मुसलमानों के खिलाफ ही हो रहा है वहाँ। लेकिन सरकार तो दावे वादे कर रही है कि सबके साथ है, हम सबके साथ खड़े हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ तक कि मोदी जी के इतने इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं कि वो तो बोलते हैं मुस्लिम्स के साथ है, लेकिन वो लोग कौन है जो जहर भर रहे हैं समाज के अंदर और इस तरीके का बहिष्कार की बात करते हैं। अभी प्रवेश वर्मा की ही बात करते हैं। अगर मोदी सरकार या अमित शाह ये चीज कह रहे हैं तो आप ख्याल करें कि वो स्टेट से ये भी कह रहे हैं कि इस देश में कुछ दीमक भरे हुए हैं जो इस देश के रिसोर्सेज खा रहे हैं और उन दीमकों का खात्मा करना चाहिए। जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो वो किसको रेफर कर रहे हैं? जब वो ये डिनाई करते हैं कि आसाम हमारे ही देश के एक स्टेट में उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं, हमारे ही देश को देश के नागरिकों को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया है और डिटेंशन सेंटर्स में सालों से भरा है और बहुत सारे लोग डिटेंशन सेंटर्स में रहते रहते मर चुके हैं। अब वो फॉरेन ट्रिब्यूनल तक जब तक पहुंचते उनकी आवाज अब दब चुकी है, वो मर चुके हैं। तो इन लोगों के लाइव्स का अकाउंटेबिलिटी क्या वो देंगे? अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमान वहाँ सुकून से है तो क्यों मोइनुल हक को जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों शेख फरीद को जिन लोगों ने मारा, शेख फरीद 12 साल का एक बच्चा था, क्यों उसको जब गोली लगी तो उन लोगों के खिलाफ आसाम पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? अगर सच में मुसलमान सुकून में तो आज ये सारे साथी यहाँ पर आके प्रोटेस्ट नहीं। ऐसे ही बुलडोजर की राजनीति भी चलाई जा रही है। क्या बुलडोजर अपने आप में एक कानून है? क्या कानून व्यवस्था में बुलडोजर जैसी राजनीति होनी चाहिए? जी, बुलडोजर, सबसे पहले तो ये हमें याद रखने की जरूरत है कि बुलडोजर राज जो ये यहाँ पे इस्टैब्लिश कर रहे हैं वो कहीं से भी हमारे कानून का हिस्सा नहीं है। हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, अगर कोई कुछ गलत हुआ है तो आप अरेस्ट करें, आप एविडेंस दें, आप कार्रवाई करें, उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर आप बुलडोजर राज चलाते हैं तो आप जुडिशरी का रोल ही आप पूरा खत्म कर दे रहे हैं ना इस देश में। डेमोक्रेसी में अगर जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, अगर आपके कहने से, सरकार के सिर्फ कहने तक में अगर मान लिया जाएगा कि ठीक है सरकार ने कहा ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इनका घर खत्म कर देना चाहिए, तो ये बहुत डेंजरस चीज है। अगर हम सच में इस देश को एक लोकतंत्र कहना चाहते हैं तो एक लोकतंत्र में इस तरीके का राज चल नहीं सकता है। तो ये लगातार मुस्लिम विरोधी ही है क्या सरकार? ऐसा लगता है क्या वाकई में? बिल्कुल बाकायदा मुस्लिम विरोधी है। अगर मुस्लिम विरोधी नहीं होते तो ये जो CAA का जो लॉ लेकर आए हैं उसमें से क्यों इन्होंने मुसलमानों की कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया? क्या इस देश में जो 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं उनके एग्जिस्टेंस को ये कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं? क्या वो ये नहीं मान रहे हैं कि इस देश में जो हम सेक्युलर कहते हैं, जो हम प्लूरलिस्टिक कहते हैं, हम कहते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, तो क्या वो इस कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस डिनाई करना चाहते हैं? क्या वो इस कम्युनिटी को उनके बेसिक सिटीजनशिप राइट्स नहीं देना चाहते? अगर सच में वो मुसलमानों को मानते हैं तो देश भर में 1920 में इतने बड़े प्रोटेस्ट क्यों हुए जो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया? टाइम के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में बी के गांधी का नाम आया था, जो शाहीन बाग में सबसे पहले और सबसे बूढ़ी जो महिला वहाँ पे थी उनका नाम आया था। पूरी दुनिया भर में इसका रिकॉग्निशन हुआ है कि किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे देश में जिसे आप सेक्युलर का नाम देते हैं। ये कोई हिंदू स्टेट नहीं है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सेक्युलर स्टेट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो आप क्यों इस चीज को नहीं मानना चाहते हैं? अगर इस देश में इस देश की सरकार ही इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगी तो हम कैसे मान लेंगे जो उनके तहत जो लोग काम कर रहे हैं वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? तो मैम, जुडिशरी सिस्टम से क्या लोगों का भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे? क्या जुडिशरी सिस्टम जो है वो किसी एक
की कठपुतली बनकर रह गया है क्या? देखिए, जुडिशियरी सिस्टम से अगर जनता का भरोसा उठ गया होता तो आज जनता इस तरीके से कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं उठा रही होती। अगर आप यहाँ भी देखें तो लफीकुल इस्लाम का जो मर्डर हुआ है, इनके लीडर का जो मर्डर हुआ है, उसमें वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। अगर सच में जनता को भरोसा नहीं होता तो वो कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं करते। तो जनता को विश्वास है, जनता को लोकतंत्र में विश्वास है, जनता को सरकार का जो रोल होता है, जुडिशरी का जो रोल होता है, इन सारे रोल्स में विश्वास है। सवाल हमें ये पूछने की जरूरत है कि क्या इस सरकार को इस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है? जब ये प्रोटेस्ट में आके रिजेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया जाता है, जब ये कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं जो ये अपने आप को इतने बड़े देशभक्त कहते हैं? सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो हमें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है आज के समय में, वो है इस देश का संविधान। अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करें तो क्या आप पेट्रियोटिक है? हमें ये सवाल उठाना है। तो देशभक्त पार्टी का जो टैग है वो आजकल हर कोई लेने पे जुटा हुआ है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, क्योंकि हाल ही में उन्होंने, पहले तो वो मुद्दे लेकर आए आम जनता के, लेकिन एकदम खास हो जाते हैं। आप आम जनता बोलकर आए थे लेकिन खास हो जाते हैं, अब वो भी लक्ष्मी गणेश की बात करने लगते हैं, हिंदुत्व की बात करने लगते हैं। तो मतलब जो पार्टीज है वो क्या इसी अकॉर्डिंग अपना एजेंडा सेट करती है क्या? देखिए, पार्टीज किन मुद्दों पर अपनी राजनीति की रोटी सेक सकती है उसके हिसाब से अपने मुद्दे तय करती है। केजरीवाल भले ही बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज को लेकर के, बहुत सारे फ्री सर्विसेज को लेकर के वो पॉपुलर हुए होंगे, पर हमें याद रखने की जरूरत है कि 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए जिसने देश भर को हिला कर रख दिया, तो केजरीवाल सरकार ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उनके घर पे गए, उन्होंने लोगों पर वाटर कैनन चलवाए। इस तरीके का उनका रवैया था, जो देश के सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट थे उन्हें कोर्ट पे जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जहाँ दंगे भड़के हुए थे वहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस पहुँचाने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा कि किसी ना किसी तरीके से दिल्ली पुलिस वहाँ पे ये अरेंजमेंट करे कि एम्बुलेंस वहाँ पहुँच सके। और इस तरीके से 3 दिन तक वो चलता रहा और केजरीवाल सरकार ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और आज तक जो लोग वहाँ पर जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए, उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या केजरीवाल सरकार, ठीक है हम मान लेते हैं आपके हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस का पावर नहीं है, पुलिस का पावर होम मिनिस्ट्री के पास है, क्या आपके हाथ में इतना नहीं है कि आपके जुरिस्डिक्शन में इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके खिलाफ? ये हमें केजरीवाल सभा से भी सरकार से मास लेवल पे एविक्शन हो रहे हैं आसाम में, और सरकारी लैंड बताकर ये जब लोगों की जमीन हड़प रहे हैं, हमें ये पूछने की जरूरत है। हर साल आसाम में फ्लड्स होते हैं, हर साल ये जो कम्युनिटीज है जो नदी के किनारे रहती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, उनके घर बह जाते हैं, उनके पूरे समाज, उनकी जिंदगी, लाइवलीहुड बह जाती है, तब ये रिलीफ पहुंचाने नहीं आते, तब उन्हें जमीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्हें वो जमीन बेचनी होती है तेल के प्रोडक्शन के लिए, तब उन्हें वो जमीन सरकारी जमीन कहते हैं उस चीज को, और इन सारे लोगों को उनके जो हक का जो उनका पट्टा है उसी चीज को डिमांड करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए, क्योंकि इस तरीके से उन्हें सताया जा रहा है आज कि टीम के जो वो छोटे छोटे घर बनाते हैं उतना भी उन्हें नहीं बनाने दिया जा रहा है। और बेसिक जो उनके राइट्स है, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा सके, जिन मदरसों में वो पढ़ाते हैं उन मदरसों को भी तोड़ दिया।